कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी निरंजन डावखरे के प्रचारार्थ आज नई मुंबई के क्रिस्टल हाउस में समर्थन सभा का आयोजन किया गया। यहां पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक, बीजेपी जिलाध्यक्ष संदीप नाइक, पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक और पूर्व मेयर सागर नाइक समेत तमाम निवर्तमान नगर सेवक, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ लोक नेता गणेश नाइक और जिलाध्यक्ष संदीप नाइक ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए निरंजन डावखरे को भारी बहुमत से जीत दिलाने का आह्वान किया। तस्वीर में दिख रही है प्रचार सभा कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी निरंजन डावखरे के समर्थन में आयोजित है। नई मुंबई बीजेपी द्वारा आयोजित इस प्रचार सभा में आज जिलाध्यक्ष संदीप नाइक ने कहा कि निरंजन डावखरे ने अपने कार्यकाल में कोंकण के स्नातकों और शिक्षकों को न्याय दिलाने का काम किया है और तीसरी बार भी उन्हें विधायक बनाना है। जिलाध्यक्ष संदीप नाइक ने मतदाताओं से अधिक संपर्क बढ़ाने पर जोर देते हुए बीजेपी पदाधिकारियों से निरंजन डावखरे को ऐतिहासिक जीत दिलाने का आह्वान किया। वहीं लोकनेता गणेश नाइक ने कहा कि कोंकण निर्वाचन क्षेत्र में 2,23,000 से अधिक स्नातक मतदाता हैं, जिनमें से 33% वोटर्स अकेले थाने जिले से पंजीकृत हुए हैं। गणेश नाइक ने दावा किया कि नई मुंबई से बहुसंख्यक मतदान निरंजन डावखरे को मिलेगा और महायुति जीतेगी। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई के बाद नवी मुंबई में इसी जीत का जश्न मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।